जय हिंद। मैं एसआईजी इलेक्ट्रिकल अमिताभ बैनर्जी, द्वितीय वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कोलकाता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट सरफेस सप्लाइड डाइविंग सिस्टम के बारे में। एनडीआरएफ में डीप डाइवर्स फ्लड वाटर रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाते हैं। पानी के नीचे प्रशिक्षण के दौरान या कोई ऑपरेशन में डूबे हुए वस्तु और ड्राउन विक्टिम को निकालने के लिए डीप डाइवर्स अपने स्कूबा सेट के साथ पानी के नीचे जाते हैं, जिसमें उनके साथ 200 से 250 बार कंप्रेस्ड नेचुरल एयर सिलेंडर होता है, अर्थात 1200 से 1500 लीटर तक कंप्रेस्ड एयर एक डीप डाइवर उस सिलेंडर से इनहेल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कर्मरत एक इंसान एक मिनट में 40 लीटर तक एयर इनहेल करते हैं। इस हिसाब से 30 मिनट से 40 मिनट तक एक डाइवर अंडरवाटर ऑपरेशन या ट्रेनिंग कर सकते हैं और उन्हें अपने सिलेंडर रिफिल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कम से कम 25 मिनट तक समय लग जाता है। काफ़ी लंबा ऑपरेशन या प्रशिक्षण के समय सिलेंडर को बार बार रिफिल करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए द्वितीय वाहिनी एनडीआरएफ कोलकाता मोस्ट में एक सरफेस सप्लाइड डाइविंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, जो डीप डाइवर को लगातार एयर सप्लाई सरफेस से दे सकता है। 230 वोल्ट 50 हर्ज सिंगल फेज कंप्रेसर से 10 मीटर होस की मदद से डाइवर पर एयर सप्लाई दिया जाता है। 50 लीटर 12 बार एक रिजर्वर बैकअप में रहता है ताकि वो इमरजेंसी में काम आए। इस सिस्टम को हाइब्रिड बनाया गया है। सरफेस सप्लाई के होस को सिलेंडर रेगुलेटर में कनेक्ट किया गया है ताकि ऊपर से सिस्टम में कोई भी कमी होने पे डाइवर अपने सिलेंडर की मदद से सेफली काम कर सकता है और पानी से बाहर आने के लिए भी उनको पर्याप्त समय मिल जाता है। शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है ताकि ट्रेनर्स या इंस्ट्रक्टर लंबे समय तक पानी के नीचे रह सके। ये था